एक तरफ अपने 4 करोड़ की रथ से बिहार यात्रा कर मुकेश सहनी सन ऑफ मल्ला बनने की कोशिश में जुटे बिहार के निषाद वोटरों को गोलबंद करने की कवायद कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बिहार विधान परिषद में हरी सहनी को प्रतिपक्ष का नेता बनाकर भाजपा ने मुकेश सहनी को करारा झटका दे दिया। भाजपा ने ये कदम उठाकर मुकेश सहनी को ये संदेश दे दिया कि अब बीजेपी को मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी के समर्थन की कोई जरूरत नहीं है। हरी सहनी के नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने के तुरंत बाद मुकेश सहनी ने भाजपा पर हमला बोलते हुए अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक पोस्ट लिखा कि आरक्षण संकल्प यात्रा से बीजेपी घबरा गई है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के पहले हरी सहनी मुकेश सहनी के वीआईपी पार्टी के नेता हुआ करते थे। पोस्ट के साथ मुकेश सहनी ने एक वीडियो भी अपलोड किया जिसमें हरी सहनी वीआईपी पार्टी का फीता अपने गले में डालकर पार्टी में शामिल होने के लिए शपथ लेते दिख रहे हैं। मुकेश सहनी ने इस पोस्ट में लिखा कि श्री हरी सहनी जी, आपको बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए बधाई। निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा से घबरा कर भाजपा ने आपको ये दायित्व दिया, ये आप भी भलीभांति जानते हैं, लेकिन साथ में ये भी याद रहे कि दायित्व जो आपको मिला है वो निषाद समाज की जागृति की वजह से मिला। इस बात का ध्यान रहे कि आप वैसा कुछ ना करें जिससे कारण समाज के आरक्षण की लड़ाई खत्म हो, क्योंकि आपने ईश्वर एवं अपने पूर्वजों को साक्षी मानकर शपथ लिया था। विकासशील इंसान पार्टी का हर निर्णय उसके साथ रहूंगा। अब मुकेश सहनी के इस बयान के बाद बीजेपी ने पलटवार किया। भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि हम लोगों ने परिषद में नेता प्रतिपक्ष हरी सहनी को बनाया, किसी से कंपटीशन नहीं किया। हम लोग जनता की पार्टी हैं और हरी सहनी जनता के नेता। मुकेश सहनी एक व्यक्तिवाद के नेता हैं और उनकी पार्टी एक ही व्यक्ति की पार्टी है। पटना से निकेत कुमार की रिपोर्ट, बिहार।